अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि स्पाइरल लेंथ जो है वो किस तरह निकाली जाती है। तो इसके लिए मैंने आपके सामने एक जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो ड्रा किया हुआ है। सबसे पहले कि अगर आपने मेरा ये चैनल MS सिविल एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और 7 घंटी के बटन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज़ जल्द मौसूल हो सके। तो चलिए लेसन पर आते हैं। तो सबसे पहले कि हमारे पास क्लियर कवर जो है वो है 75 mm। क्लियर कवर जो है वो है एक इस बार से लेकर इस पाइल की आउटर जो है इस तक का डिस्टेंस। तो ये हमारे पास कितना है 75 mm। और जो पिच है यानी दो हेलिक्स के दरमियानी फासला वो हमारे पास कितना है 150 mm। और इसको मैंने B से डिनोट किया हुआ है। और जो हमारे पास स्पाइरल बार का डाया है वो है 16 mm। ये जो हमारे पास स्पाइरल बार जो है वो जा रही है इसको इसका डाया जो है वो मैंने 16 mm डिनोट किया हुआ है। और जो इस पाइल का जो हमारे पास टोटल डाया है वो है 1.5 मीटर, यानी डायमीटर ऑफ पाइल जो है वो है 1.5 मीटर। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ कह लें, डेप्थ कह लें या हाइट कह लें, वो है हमारे पास 18 मीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि फार्मूला ऑफ स्पाइरल लेंथ, फार्मूला ऑफ स्पाइरल लेंथ जो है वो है हमारे पास हाइट ओवर पिच। हाइट जो है इसकी टोटल ओवर इसकी पिच। हाइट ओवर पिच इसमें प्लस हमने कर देना है 1 और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसी के साथ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल को, यानी ये जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल है इसको हमने साथ हमने मल्टीप्लाई में। इसको हमने साथ में मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें प्लस 8 डाया, यानी 8 डाया जो है वो हमने कौन सा करना है, जो हमने एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो लेनी है। और इसमें माइनस हमने क्या करना है, दोनों साइडों का कंक्रीट कवर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का कवर जो है वो हमने माइनस कर देना है, -2 × 2। अब हमने क्या करना है कि इसमें जस्ट वैल्यू जो है वो पुट करनी है। सो वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास हाइट जो है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ वो हमारे पास कितनी थी, 18 मीटर। और जो इसकी पिच थी वो है हमारे पास 150 mm। और इस mm को हमने क्या करना है कि मीटरों में कन्वर्ट कर लेना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 0.15 और इसमें प्लस हमने 1 कर लेना है। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है वो 3.14। सो पाई डी हमारे पास, पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 3.14। और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लेंगे डी को, डी जो है वो हमारे पास कितना है, 1.5 मीटर। अब हम क्या करेंगे कि इसमें 8D, डी जो है वो हमारे पास कितना है, प्लस 8 × T, डी जो है वो हमारे पास कितना है, 16 mm। 16
और इस mm को हमने कन्वर्ट कर लेना है मीटरों में, सो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.016 मीटर। और इसमें हमने क्या करना है, माइनस कर देना है दोनों साइडों का कंक्रीट कवर, तो वो हमारे पास कितना है, 75 mm। सो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 0.075। सो अब हमारे पास स्पाइरल लेंथ जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगी, इन वैल्यू को हमने डिवाइड करना है और इसमें 1 जो है वो ऐड कर देना, सो हमारे पास कितना आ जाएगा, 121 कैलकुलेशन के बाद। और इसको हम अभी ऐसे छोड़ देते हैं, 3.14, 1.5 प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0.128। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमने इसमें माइनस कर देना, वो है हमारे पास 0.15। सो स्पाइरल लेंथ जो है वो हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आ जाएगा, 5,69.91 प्लस 0.128 माइनस 0.15। और इसको हम ऐड और माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो है हमारे पास 569.89 मीटर। सो स्पाइरल लेंथ जो है वो हमारे पास आ जाएगी 569.89 मीटर। सो अब हम क्या करेंगे कि एज वी नो दैट लेंथ ऑफ 1 bar is 12 meter. सो फॉर्मूला जो है वो हमारे पास हो जाएगा, फॉर्मूला इज इक्वल टू स्पाइरल लेंथ ओवर लेंथ ऑफ 1 bar। टोटल बार्स इज इक्वल टू, तो पहले जो हमारा आंसर आएगा था वो था 569.89। सो हमने स्पाइरल लेंथ जो है वो ये ऐड करनी है, स्पाइरल लेंथ 569.89 ओवर ये जो 12 हमारे पास मीटर बार है वो 1 bar वो हमने इसके साथ डिवाइड करना। सो डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 47.49 नंबर्स। ये हैं टोटल बार्स, टोटल बार्स हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि लैब जो है वो इसमें डालना है, सो लैब हमारे पास क्या है, ओवर लैब जो है वो हम 50D लेंगे। सो 50 × D को हम वो वाला डायल लेंगे जो हमने इस में लिया हुआ है,
यानी डाया स्पाइरल बार डाया। सो स्पाइरल डाला बार हमारे पास कितने हैं, 16 mm। सो इस mm को हमने क्या करना है कि मीटरों में कन्वर्ट कर लेना। सो 16/1000। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा 0.8 मीटर ओवरलैप ऑफ 1 बार। सो हमारे पास ओवरलैप ऑफ 1 बार निकल आया। अब हमने क्या करना है कि ओवरलैप ऑफ ऑल बार्स जो है वो मालूम करना है। सो ये हमारे पास इज इक्वल टू होगा कि टोटल नंबर्स ऑफ बार मल्टीप्लाई बाय लैप ऑफ 1 बार। सो टोटल नंबर ऑफ बार्स जो है वो हमारे पास कितनी निकली थी, 47.49, 47.49। और इसके साथ हमने क्या मल्टीप्लाई करना है, 0.8 यानी लैप ऑफ 1 बार, ये वाला और ये वाला। सर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 37.992 मीटर। ये हमारे पास क्या निकला है, ओवरलैप ऑफ ऑल बार्स। अब हमने क्या करना है कि टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो है वो कैलकुलेट करनी। टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो है वो हमारे पास इज इक्वल हो जाएगी स्पाइरल लेंथ प्लस इसमें हम क्या करेंगे टोटल लैप। सो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल जो है स्पाइरल लेंथ जो है वो हमने कहाँ से लेनी है, जो हमने ये वाली स्पाइरल लेंथ जो है 569.89 वो हमारे पास निकली हुई है। सो हम इसमें वो लगाएंगे 569.89 और प्लस हम इसमें क्या करेंगे टोटल लैब जो हमारे पास निकला है 37.992। सो इन दोनों को आपस में ऐड करने के बाद जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो है 607.882 मीटर। अब हमने क्या करना है कि इसका वेट मालूम कर लेना है, वेट इन केजी। वेट
18 किलोग्राम इज इक्वल टू, तो इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है डी स्क्वायर बाय 162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो डी जो है वो हमारे पास कितना है, 16 डाया, ये 16 स्क्वायर ओवर 162 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये वाले 607.882। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो है 960.60 kg। वेट, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।